लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कि वो बम उधर हमने रखा है। अगर तुम लोग वो प्लेन और सारा पैसेंजर्स की जान बचाना चाहता है तो 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपया का बंदोबस्त करो। हम पैसा कहां और कैसा लेगा इसका वास्ते 1/2 घंटे के बाद फिर फोन करेगा। सर, इसके बाद प्लेन को इमीडिएटली वापस बुला लिया गया।
सारे पैसेंजर्स और क्रू को सेफली उतर जाने के बाद प्लेन को यहां से बहुत दूर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि अगर ये सच है तो प्लेन में हजारों लीटर पेट्रोल है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। प्लेन के वापस उतर जाने के बाद उसी आदमी का दोबारा फोन आया, वो भी सुन लीजिए। मुबारक हो, प्लेन वापस आ गया, सारा लोग बच गया, मगर 70 करोड़ का प्लेन बचाने के वास्ते 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। देखो, ऐसे यहां बहुत से फोन आते हैं, शायद तुम जानते नहीं कि ऐसा मजाक करना भी जुर्म है। ठीक है, अगर तुम इसे मजाक समझता है तो फिर देखते हैं हम और तुम करोड़ों का ये धमाका। सर, ये आखिरी पोर्शन में दोबारा सुन सकता हूं? श्योर सर। बस ठीक है, अगर तुम इसे मजाक समझता है तो फिर देखते हैं हम और तुम करोड़ों का ये धमाका। देखते हैं हम और तुम। सर, अगर मेरा शक सही है तो आपके ये 70 करोड़ बच गए। ठहरो, कहां जा रहे हो? सर, लगता है ये आदमी कहीं आसपास ही है, देखना यह कि मेरा शक सही है या गलत। अहमद जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? नहीं जा रही है तो हमारे लिए दूसरी फ्लाइट का बंदोबस्त किया। नहीं जा रही है तो कम से कम हमारा सामान तो वापस लिया जाए। सामान क्यों रोका गया हमारा? एक मिनट, आप लोग प्लीज जरा शांत हो जाइए। डॉक्टर, इनको होश आ रहा है। का दूर से इतना अच्छा नहीं दिखेगा। चलो, हम और तुम करोड़ों का यह धमाका जरा करीब से देखते हैं। चलो। यस इंस्पेक्टर अहमद, ओवर। सर, ये कौन पागल आदमी है जो कॉर्डन तोड़कर प्लेन की तरफ गया है? ओवर। उस पागल आदमी का नाम है इंस्पेक्टर विजय वर्मा। ओवर नाउ। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरी बच्ची प्लेन में रह गई है। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यस सर, क्या हुआ? सर, इमरजेंसी लैंडिंग का सुना तो बेहोश हो गई थी, और जब इन्हें होश आया तो इन्हें याद आया कि अपनी बच्ची प्लेन में भूल गई थी। कहती है कि मेरी बच्ची बाथरूम में थी। ये किधर ले जाता है? किधर ले जाता है? अरे ये क्या करता है? पागल हो गया क्या? ए मैन, तुम किधर जाते हैं? अब उनका कसूर क्या है? क्या मांगते तुमको? अब बताओ, बम कहां रखा है और कब फटने वाला है? बम? कैसा बम? कौन सा बम? अब उनका समझ में कुछ नहीं आता है। तुम्हारी समझ में तब आएगा जब तुम्हारे सर पे बम फटेगा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम जरूर उड़ जाओगे। बोलो, कहां रखा है बम? इंस्पेक्टर, आप उनको यहां से हटा, कहां रखा है बम? सीतामढ़ी के ऊपर एक खिलौने के अंदर। Thank you.
नहीं है, टैडी मेरा है। लो, ओके, 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 ओके। ला बेटे, ये जो टैडी है ना, ये मुझे दे दो। ला। नहीं। बेटे, ये गंदा, गंदा टैडी। मैं मेरे पास अच्छा चॉकलेट। ये देखो, ये चॉकलेट। तुम टैडी बैठ दो, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ। इंस्पेक्टर वर्मा, आप इस पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस किताब पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब आप ये बताइए कि आप शराब पीते हैं या नहीं। वकील साहब, आपको शायद गलतफहमी हो गई है, मुझे, मैं नहीं वो है। ऑर्डर, ऑर्डर। गलत फहमी तो आपको हुई है इंस्पेक्टर विजय वर्मा, क्योंकि कोई भी मुजरिम तब तक मुजरिम नहीं होता जब तक कि उस पर जुर्म साबित न हो जाए, और मेरे मुवक्किल एंथोनी ब्रिगेंजा पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं होगा भी नहीं। अब आप मेरे सवाल का हां या ना में जवाब दीजिए, आप शराब पीते हैं या नहीं। हां, मैं शराब पीता हूं। जब आपने मेरे मुवक्किल एंथोनी ब्रिगेंजा को गिरफ्तार किया तब आप कितनी शराब पिए हुए थे? करीब आधी बोतल। इसका मतलब आप नशे में थे, और नशे की हालत में जो भी पहला शरीफ आदमी आपको दिखाई दिया आप उसी को पकड़कर। मैं नशे में बिल्कुल नहीं था। मिलोर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं वकील साहब से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। वकील साहब, आज के बढ़ते हुए जुर्म, यही चोरी, डकैती, कत्ल, मारधाड़, बलात्कार, इन सब की वजह ये मुजरिम तो हैं, मगर इनसे कहीं ज्यादा बड़े मुजरिम इन्हें कानूनी दांवपेंच से बचाने वाले आप जैसे लोग हैं। इस देश के बढ़ते हुए जुर्म में आप इनके बराबरी के हिस्सेदार हैं। जी हां, बराबरी के हिस्सेदार। कानून तोड़ने के लिए अगर इनके दिल से किसी ने खौफ हटाया है तो वो आपने हटाया, आप जैसे लोगों ने हटाया। कानून तोड़ने के लिए अगर इन्हें हिम्मत मिली है तो वो आपसे मिली है, आप जैसे लोगों से मिली है। और एक बात याद रखिएगा वकील साहब, ऐसे मुजरिमों को कानूनी दांवपेच से बचाकर आप समाज के खिलाफ एक जुर्म कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुर्म। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर वर्मा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुजरिम बनता है जुर्म साबित होने के बाद। आपके पास आपके अलावा कोई सबूत नहीं है कि यह आदमी उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था, जबकि मेरे पास ऐसे 25 गवाह हैं जो ये बता सकते हैं कि यह आदमी उस दिन वहां हो ही नहीं सकता था। मिलॉर्ड, मुझे इस केस में कोई दलील, कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं इंस्पेक्टर वर्मा को एक सबक सिखाना चाहता था, कोर्ट और डिपार्टमेंट को यह बताना चाहता था कि इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा है, जिन्हें कानून अपने हाथ में लेने का शराब पीने से भी ज्यादा शौक है। इस बार तो यह बेचारा आधी बोतल की मेहरबानी से बच निकला, लेकिन अब तक न जाने कितने बेगुनाह कितनी बार पूरी बोतल का शिकार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर वर्मा पिछले 3 साल में 6 आदमियों का खून कर चुके हैं। मिलॉर्ड, वो आदमी नहीं थे, 6 पेशावर मुजरिम, 6 वैशी जानवर, 6 पागल कुत्ते थे। मैंने उनका खून नहीं किया, उन्हें सजा दी है। बगैर गवाह, बगैर सबूत, बगैर मुकदमे के। वाह, क्या इंसाफ आपका। दैट्स ऑल मिस्टर वर्मा, थैंक यू। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत का ज्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि जिस दिन, जिस वक्त, जिस तारीख को यह हादसा हुआ, उस दिन मिस्टर एंथोनी ब्रिगेंजा बॉम्बे हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हुए थे। इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। ये रही इनकी हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स।
लेकिन ये रिपोर्ट्स शायद फर्जी भी बनाई जा सकती हैं। इसलिए मैं वहां के एक बहुत ही बड़े और इज्जतदार डॉक्टर कन्नू भाई शाह से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां आकर इस बात की तस्दीक करें। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि 24 नवंबर या उसके आसपास मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा इस कंडीशन में थे कि वो हॉस्पिटल छोड़कर कहीं जा सके? 24 नवंबर को एंथनी ब्रिगेंजा बेहोश थे। He was under my observation. Thank you, doctor. मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा को बाइज्जत बरी किया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ताकीद की जाती है कि इंस्पेक्टर वर्मा के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। Congratulations, Mr. Braganza. Thank you. आइए चलिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा। कानून और पुलिस का भरे कोर्ट में मजाक उड़ा। आपकी शर्म और इज्जत तो शराब में डूब चुकी है। कम से कम मेरी और डिपार्टमेंट की इज्जत का तो ख्याल रखिए। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वही आदमी था। क्या आप पागलपन की बातें कर रहे हो? इतने सारे सबूत के अलावा शहर के इतने रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि वो अस्पताल में था, फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक ही वक्त पर एक ही आदमी दो जगह था? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? चीयर्स। साला वो इंस्पेक्टर सोच सोच कर पागल हो गया होगा। सोचता होगा ये कैसा हो सकता है। अरे तो नहीं मांगता तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्रदर, अपन का अपेंडिक्स तो बिल्कुल अच्छा था, काय के वास्ते निकाल दिया? जो जो अपेंडिक्स बॉडी का एकदम बेकार टुकड़ा है, इसका निकालने से कुछ नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। इसके लिए भेजा मांगता है, भेजा। अपन का मम्मी बोलता था, टोनी डार्लिंग, अगर तुम अपना भेजा सही और राइट रास्ते पे चलाएगा तो एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा। लेकिन ये साला अपना भेजा नो एंट्री में घुसना मांगता है, एकदम उल्टा ही काम करता है। अब देख ये कितना गोली है, एक दो तीन चार पांच छह। गुड। अब सुन, ये छह गोली में से एक पर इंस्पेक्टर विजय वर्मा का खोपड़ी का एड्रेस लिखा है। अब ये गोली उसका खोपड़ी में जाएगा और वहीं रहेगा। मेरा नाम विजय वर्मा है, मैं एक पुलिस अफसर हूं और यहां अपनी गाड़ी ठीक करवाने आया हूं। अच्छा वो तुमने हमें बता दिया, नहीं तो हमारे हाथ से पुलिस वाले का खून हो जाता और इसी गलती के लिए हमारे मम्मी पापा हमको बाथरूम में बंद कर देते। अच्छा अब ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बॉबी है, मेरे पापा का नाम मिस्टर शेखर है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस सीमा शेखर है। अरे आप सीमा और शेखर के बेटे हैं? अरे देखें भाई, जरा आपको गौर से देखें। है शाबाश,
आप इतने बड़े और इतने प्यारे हो गए, ये तो मैं जानते नहीं था। आप मेरे मम्मी पापा को जानते हैं? हाँ बेटे, बहुत अच्छी तरह जानता। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? मैं जरा बाहर चला गया था थोड़े दिन के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा कब आने वाले हैं? पापा गाड़ी की ट्रायल लेने गए हैं, आते ही होंगे। मम्मी घर में है, बुलाऊं? नहीं, मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। पापा आ गए। All right, my son. शाबाश, मेरा बच्चा, ये देख क्या लाया तेरे लिए। विजय, भाई शर्म भरम आती है कि नहीं? कहाँ गायब हो गया था? मेरे यहां से ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर हो गया था या ले लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा से या मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई जिसका तुम दुख पहुंचाओ? हाँ बोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम दोनों को अकेला ही छोड़ दूं, इसलिए कि कबाब में हड्डी बनने का भी क्या मतलब। चल अंदर चल, सीमा देखकर बहुत खुश होगी। चल यार। बस चलता हूँ यार, फिर किसी दिन आऊंगा। ये राम प्यारी। राम प्यारी? हाँ ये मेरी गाड़ी राम प्यारी। क्या हुआ इसे? ऐसे ही झटके ले रही थी, सोचा गैराज ले आऊं, यहां आते ही ठीक हो गई। चलो ठीक तो हो गई, तो चल चल यार। अब कम ऑन यार, कम ऑन विजय। सीमा, सीमा, सीमा देखो कौन है। विजय, इतने बरसों बाद शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह, लगता है मियां बीवी ने एक ही जुमला रियाज करके रखा मेरे लिए। तो तू भी तो अपना वो जुमला बोल दे जो तूने हम लोगों के लिए रियाज करके रखा है। मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं यहाँ नहीं था। अंकल मैं आपकी गन देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर देख सकते हैं बेटे, लेकिन गन जो है वो जरा लोडेड है, इसलिए इसको पहले खाली कर देना चाहिए। ये लीजिए। बैंग, बैंग, बैंग। पापा मेरे को भी बर्थडे पे ऐसी ही गन चाहिए। अबे ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसके लिए लाइसेंस लगता है। अच्छा बॉबी, अंकल को गन वापस दो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलो अभी तुम्हें होमवर्क करना है। गुड बाय। बोल बच्चा क्या पिएगा? ठंडा पानी। क्या कहा, पानी? थोड़ी सी विस्की के साथ। ऑलराइट सीमा, सीमा पानी ले। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। हाँ, तुम लोगों को तो बस बहाना चाहिए पीने का। अरे भाई याद है विजय बिल्कुल नहीं पिया करता था, पहली मर्तबा इसने हमारी शादी की खुशी में पी। लगता है उस दिन से इन्होंने इसे ऐसा मुंह लगाया कि आज तक नहीं छोड़ा। क्या करूं, मुझसे चीजें बहुत मुश्किल से छूटती। हमें तो तुमने बहुत आसानी से छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम लोगों को कहा छोड़ा, बस थोड़ा सा दूर हो गया था, अब आता रहूंगा। अच्छा चलता हूं। एक शर्त पर, आज शाम का खाना तू हमारे साथ खाएगा, ओके? आज शाम को नहीं यार, फिर किसी दिन। आज शाम को मैंने किसी से वादा किया हुआ। जरा हम भी तो सुने, ये वादा आपने किससे किया? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, वो आज शाम को मैंने अपने छोटे भाई से मिलने का वादा किया। टैक्सी। हे मैडम, अंधी हो गई है क्या? हाँ मैं अंधी हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। नहीं तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो बाकी बातें कार में। एक मिनट, मेरा बैग। मालूम है नीतू, जिस कोर्स के लिए मैं बॉम्बे आया हूँ वो कोर्स इलाहाबाद में नहीं हो सकता। ये एक साल का कोर्स है जिसमें मुझे पढ़ना भी होगा और पढ़ाना भी होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे रहने की जगह कॉलेज में ही मिल गई। तो क्या तुम विजय भैया के साथ नहीं रहोगे? दादा मेरा इस शहर में आने का मकसद यही है कि मैं आपके साथ यहाँ रह सकूं, मगर दादा यहाँ से कॉलेज बहुत दूर पड़ जाएगा, आने जाने में बहुत वक्त जाया होगा। दादा मुझे इस कॉलेज में पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है।
देखते देखते इतना बड़ा हो गया है कि अब लोगों को पढ़ाने भी लगा है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। माँ बाबूजी के मरने के बाद तो शायद 4-5 साल का था। रोज तुझे साइकिल पर बैठा कर स्कूल छोड़ने और लेने आता था, और आज मेरे सामने बैठकर कॉलेज में पढ़ाने की बातें कर रहा है। तू जानता नहीं तुझे खुश देखकर मुझे कितनी खुशी होती। और दादा, आप जानते हैं कि आपको इस तरह अकेले देखकर मुझे कितना दुख होता है। दादा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? शादी करने के लिए दो इंसान चाहिए होते हैं जो एक दूसरे को प्यार करें। मेरी भी जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आया था, मगर वहां भी मैंने अपने आप को अकेला ही पाया। खैर, छोड़ो इन बातों को। हाय। ओ हाय, आओ नीतू। दादा, ये वो ये आगे भी बढ़ेगा या दादा ये दादा वो में ही अटक रहेगा? दादा, मेरा मतलब है ये। मैं बताती हूँ दादा, मेरा नाम नीतू है, मैं अजय के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इसकी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। जी दादा, इनका नाम नीतू है, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। चले। हाँ दादा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं फिर किसी दिन। अच्छा। और सुनो। जी। अपना ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोलना। जी दादा। कह दी है दुनिया ये दुनिया है मेला, कह दी है दुनिया ये दुनिया है मेला, फिर क्या सबब है, फिर क्या सबब है, क्यों है अकेला अकेला अकेला।
एक बियर और। यस सर। गुड नाइट पीटर। इतनी जल्दी कहां चली हसीना? जाने दीजिए मुझे। हसीन और खूबसूरत लड़की का अकेले चले जाना हम जैसे मर्दों की शान के खिलाफ है। बाय द वे हमें रंजीत कहते हैं। मिस्टर रंजीत, मुझे इस होटल में तनख्वाह मिलती है सिर्फ गाकर लोगों का दिल बहलाने के लिए, उनके साथ बैठने और उन्हें कंपनी देने के लिए नहीं। और वैसे भी मुझे जानवरों की कंपनी पसंद नहीं है। तुम्हें हमारी कंपनी पसंद नहीं तो क्या हुआ? हमें तो तुम्हारी कंपनी पसंद है। छोड़ दो मुझे, वरना वरना क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी या इन नाजुक हाथों से हमें मारोगी? हे लड़की का हाथ छोड़ दे भाई। तू कौन है? इसका दलाल? हे छोड़ दे, हाथ छोड़। कोयले की दलाली में हाथ काले होते तो सुना होगा, लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं ये नहीं सुना होगा। साला अपुन के बीच में टंगड़िया लाने आता है। अरे लड़की का हाथ छोड़ दे, जाने दे भाई। अब चले। यस सर। इधर ये बाटली का दाम कितना है? 15 रुपए के साहब। ये मेरे अकाउंट में डाल देना। एक लार्ज विस्की। सॉरी सर, बार बंद हो गया है। अरे भाई दारू अभी चढ़ी नहीं, बार बंद हो गया? इतनी जल्दी बार बंद हो गया? कहाँ जाऊंगा मैं, बार बंद हो गया। बार बंद हो गया है लेकिन मेरा घर खुला है, अगर आप चाहें तो। आइए आइए ना। रात काफी हो गई, आपके घर वाले डिस्टर्ब होंगे और फिर मुझे इस हालत में देखकर वो क्या कहेंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ, आप अंदर आइए ना। हाँ। इतनी रात गए किसी अजनबी को इस तरह घर बुलाने में आपको डर नहीं लगता? अजनबी तो वो होता है जिसे कोई पहचानता ना हो, और मैं तो आपको थोड़ी देर में अच्छी तरह पहचान गई हूँ। रहा सवाल डर का, वो आदमी जो किसी औरत की इज्जत बचा सकता है वो उसकी इज्जत पर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकता। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। आपका ग्लास।
जी मैं शराब नहीं पीती। तो फिर ये बोतल मेरे डैडी खत्म नहीं कर सके। मां के मर जाने के बाद उनके पास जीने के लिए और कुछ नहीं था सिवाय शराब के। खैर छोड़िए इन बातों को, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर भी कुछ तो खा लीजिए। अब उनका समझ में नहीं आता है, हाथ पांव नाक कान बाल सब एक जैसे छम दोनों का, फिर भेजा में इतना फर्क क्यों? राजा तेरा समझ में कुछ नहीं आता, जैसा मैं बोलता वैसा ही कर। ये तेरा शारजा का टिकट और ये तेरा पासपोर्ट ले। अब तू वहां जा और मजे से क्रिकेट मैच देख, और अपुन यहां मेहता स्टोर्स के सेफ की सफाई करेगा। ओके ब्रदर। साले को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तू उसको नहीं छोड़ेगा तो अपुन इसका भेजा उठाएगा, समझा? अपुन तीन तक गिनता है, एक दो। और सुन, अपन गाड़ी लेकर आता है, अगर ये कोई होशियारी किया तो लड़की को उड़ा देना। ओके हवे इडियट, उल्लू के पट्टे, कितनी होशियारी से वो तुझे मौत के सामने खड़ा करके चला गया। सोचो, गाड़ी उसके पास है, पैसा उसके पास है, वो पागल है तेरे लिए ठहरेगा? अब खड़ा रहे यहां और अपनी मौत का इंतजार करो। <स्थ
चलेगा। क्या कहा था मैंने, चला गया ना तुझे अकेला छोड़ के। मिलॉर्ड, इन्हें दोबारा यहां लाने वाले यही इंस्पेक्टर विजय वर्मा हैं। शायद आपको याद होगा, पहली बार इन्हें कई ठोस सबूतों के बिना पर बाइज्जत परी किया गया था, वरना अब तक ये बेचारे किसी जेल में पड़े सड़ रहे होते। आज मैं कोर्ट का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय वर्मा के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना था मैं पहले कह चुका हूं। वेल इंस्पेक्टर विजय वर्मा, अब आप 22 दिसंबर के वाकयात के बारे में बताएं। 22 दिसंबर को स्टोर की वारदात के बाद मैंने इस आदमी का पीछा किया। बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद मैंने इसे पकड़ा। इसके चेहरे पर एक मास्क था, जब मैंने वो मास्क खींचा तो ये आदमी निकला। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वही आदमी है? जी हाँ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वही आदमी है। मिलॉर्ड, 22 दिसंबर को मिस्टर एंथोनी ब्रिगेंजा हिंदुस्तान से बाहर थे। ये रहा इनका पासपोर्ट, जिस पर इमिग्रेशन की एंट्री और एग्जिट दोनों की मोहरें लगी हुई है, और ये रहा इनका जाने आने का टिकट। इसके अलावा मेरे पास एक ठोस सबूत और भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे भी पेश करूं। इजाजत है। बाईस दिसंबर को शारजा में मैच हो रहा था, और ये है उस मैच की लाइव रिकॉर्डिंग। India have got wickets in hand. They are getting a bit desperate at this stage. That's over with our good shot. That might be 4 runs it is. Kamran charging down, converting that into the half volley. Going through with the free flow of the play. And perfectly safe. 8 runs of that over. I think the cycle... All my lord. इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत मिस्टर एंथनी ब्रिगेंजा को बाइज्जत बरी करती है, और पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है कि इंस्पेक्टर विजय वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? आंखें ठीक है या नहीं अभी पता चल जाता है। कितनी उंगलियां हैं? एक। और ये? तीन। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है। तो फिर मेरा दिमाग खराब होगा। ऐसा कहते हैं, जब आदमी का दिमाग खराब होने लगता है तो सबसे पहले उसका पागलपन उसकी आंखों में दिखने लगता है। ए, सुन, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है? तुम तो नहीं, मगर ऐसे ही देखती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। इसी बात से ख्याल आया, चलो कोई पागलपन करते हैं। यहां बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चलकर कोई पिक्चर देखेंगे, उसके बाद जाकर कहीं खाना खाएंगे। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चलो कहां? चलो ना प्लीज फॉर माय सेल्फ। मैंने लोहा तोड़ दिया। चुपचाप बैठे रहो, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे चुपचाप बैठ के क्या मातम करने आए हैं? पिक्चर देखने आए भाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घबराओ मत सीता, तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है।
आप कौन है आप? मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारे ही दूसरा रूप हूँ, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। ए साला पिक्चर में ही ऐसा होता है, जिंदगी में तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं। क्यों, एक शक्ल के जुड़वा लोग नहीं होते जिंदगी में? होते होंगे लेकिन हमने नहीं देखे। वो रंजीत मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसका तो बाप भी नहीं कर सकता। नहीं शायद देखे मगर अलग अलग, अब सालों को एक साथ देखने का है। इस स्टोरी से मुझे वो स्टोरी समझ में आ गई। थैंक यू मिस सीता, थैंक यू मिस गीता। कौन है जोजो? अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। लेट्स गो। सर एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता, लेकिन ये दो कुत्ते अलग अलग दो जगह तो हो सकते हैं। तुम्हारे अपने इस भाई को बचाने के लिए तुम्हें ये इल्जाम अपने सर लेना होगा, अपने सभी जुर्मों का इकबाल करना होगा, ये कहना होगा कि इसे तुम्हारे किसी भी मामले की कोई खबर नहीं थी, तुम सिर्फ हमशक्ल होने का फायदा उठाना चाहते थे। तेरे को छोड़ेगा नहीं इंस्पेक्टर विजय वर्मा। हमें तो तुमने बहुत आसानी से छोड़ दिया। नहीं नहीं मैंने तुम्हें कहा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम लोगों को कहा छोड़ा, बस थोड़ा सा दूर हो गया था। लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर, उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर, इश्क हो जाए अगर तो कहां चुपता है, आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, आग लग जाए पर तो धुआं उठता है, उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर, उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर, इश्क हो जाए अगर तो कहां छुपता है, आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है।
अब यूं ही ये सर ऐसे कहां झुकता है, सब अब यूं ही ये सर ऐसे कहां झुकता है। उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर, उड़ जाती है खबर इश्क हो जाए अगर। लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है। आज तो ले ही ले यार, एक ड्रिंक से क्या होता। अरे नहीं भाई, एक बार ये मुंह लग गई फिर अपना बचना मुश्किल हो जाएगा। तू तो जानता है मैं बड़ा एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूं, हर चीज एक्सट्रीम पर करता हूं, वो दोस्ती हो दुश्मनी हो नफरत हो मोहब्बत हो, हर चीज एक इंतहा पर करता हूं। मोहब्बत किससे करता है तू? तेरी मोहब्बत तो आज तक देखी नहीं। प्यारे जो देख गए वो मोहब्बत कहां है, वो तो दिखावा होता है। वाह, इस बात पर तो एक ड्रिंक हो ही जाए। नहीं पे किसी दिन। ये बता तूने आज मुझे यहां क्यों बुलाया? आज तो वैसे भी हम लोग शाम को सीमा की बर्थडे पार्टी में मिलने वाले थे, फिर ये इमरजेंसी कैसे आन पड़ी? इसीलिए तो। यार विजय मैंने तुझे एक बात नहीं बताई। हाँ। मैं सीमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ यार, और ये बात जाकर तुझे उससे मेरी तरफ से कहनी होगी। विजय तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन जो जाकर उसे ये कहेगा। अगर उसने हाँ कर दी ना तो समझ लेना इसी धरती पर मुझे स्वर्ग मिल गया, और अगर उसने ना कर दी तो भाई समझ लेना कि तुम्हारा एक बहुत ही वफादार दोस्त था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, जिसका नाम शेखर था। यार विजय, यार विजय, विजय क्या बात है, कहाँ खो गए भाई? नहीं मैंने ऐसी वैसी बात तो नहीं कही। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस ये ताज्जुब हो रहा था कि ये बात तुमने आज तक मुझसे छुपाई कैसे, और मुझे अभी तक ये दिखी क्यों नहीं। अरे विजय अभी भी तो कहा था कि जो दिख जाए वो मोहब्बत ही क्या दिखावा है। खैर जाने दे विजय, प्लीज विजय प्लीज मेरे भाई आज ये बात कर ही लेना। मैं आज ही बात करूंगा। हाँ। लायर आज इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए।
ये शुरू करने के लिए इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा। Fantastic, fantastic. Cheers. Cheers. सीमा, तेरा बर्थडे केक आ गया है। वाओ, बेटी, आज तेरे जन्मदिन पर ना जाने मुझे तेरी शादी का क्यों बहुत ख्याल आ रहा है। छोड़ो ना मम्मी, ऐसी कौन सी जल्दी है, जब होना होगी हो जाएगी। अनलेस कि तुम मुझे घर से जल्दी निकालना चाहती हो। हाँ, मैं तुझे इसलिए घर से जल्दी निकालना चाहती हूँ क्योंकि तेरी इस किताब में से ये तस्वीर निकल आई थी। मैं तभी तुझसे पूछना चाहती थी, मगर फिर आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता है। तू विजय को बहुत चाहती है ना? हाँ माँ, लेकिन विजय मुझे चाहता है या नहीं ये मैं नहीं जानती, इसलिए मैंने तुमसे अभी तक ये बात नहीं की। बेटी, मेरा दिल कहता है वो भी तुझे बहुत चाहता है, तू उससे बात करके तो देख। मगर मम्मी, मैं उसे कैसे? तू उसे पूछ नहीं सकती तो मैं उसे पूछ लूंगी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Seema, happy birthday to you। आवाज अच्छी है कि नहीं आंटी? है, बस थोड़ा सा अगर मैं रियाज और कर लेता तो अच्छे बच्चे की छुट्टी कर देता, है कि नहीं? है? तुमने ये शराब पीनी कब से शुरू कर दी? आज, अभी, बस थोड़ी देर पहले, इसलिए कि आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आंटी, आप जरा यहां बैठेंगी और सीमा तुम वहां बैठ जाओ, जरा गौर से सुनिए आंटी, क्योंकि बात बहुत गंभीर, बहुत सीरियस है। आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं कि सुनते ही आप नाचना शुरू कर देंगी। ऐसी कौन सी खुशी की बात है, जरा जल्दी सुने। बता दूं? बता दूं? बिल्कुल बता दूं। ओके, आज मैं आपसे सीमा की शादी की बात करने आया। बेटे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम अभी यही बात कर रहे थे। बस तो फिर ये एकदम राइट मौका है। आंटी, मेरे दोस्त शेखर ने ठीक ही कहा था कि जा, आज से बढ़िया मौका तुझे और मिल ही नहीं सकता है। देखिए आंटी, आप मेरी बात टाली मत, हैं? पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ, देखिए आप इनकार मत कीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने क्या है आंटी, कि मैं अपने दोस्त शेखर के लिए सीमा का हाथ मांग आया हूं। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए? शेखर अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है आंटी। हम दोनों तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और एक बात बताऊं आपको, आजकल की दुनिया में इससे अच्छा लड़का आपको मिल भी नहीं सकता। और फिर शेखर तो सीमा को इतना चाहता है, बस और क्या चाहिए आपको? बेटा, जब तुम आए थे तो तुम इतने खुश लग रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपनी शादी की खबर सुनाने आए हो। मेरी शादी? मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शादी जो है वो बड़े झंझट का काम होता है। मैं तो भैया अकेला छड़ा ही ठीक हूं। क्या है सीमा, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को खुश रखते हैं, मैं उनमें से एक हूं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को खुश रखते हैं, शेखर उनमें से एक है। विजय, शेखर बहुत अच्छा दोस्त है, मगर शादी, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओ, ये मैं फूल तुम्हें देना भूल गया था। तुम सोचो, लेकिन सोचने के बाद ना मत बोलना, क्योंकि शेखर का दिल टूट जाएगा।
कोई बात नहीं, लगता है आज टूटने का दिन है, सब कुछ टूट रहा है। हेलो विजय, आप कौन? मैं सीमा बोल रही हूँ विजय। आई एम सॉरी, आवाज पहचान नहीं सका। इस तरह अपने आप को दूर रखोगे तो लगता है कि थोड़े दिनों में मुझे भी नहीं पहचानोगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो अभी अभी तुम्हें, मेरा मतलब तुम लोगों के बारे में सोच रहा था। बोलो। आज शाम को बॉबी की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जरूर आना होगा। आज शाम को? आज देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आज तुम नहीं आए तो हम लोग समझेंगे कि तुम हमसे मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं सोच सकता मैं। ऐसा नहीं है तो फिर सी यू इन द इवनिंग, ओके बाय। गुजर गया मैं रास्ते में उतर गया।
का टिकट मैं पकड़ा गया, सीधा पहुंच गया जेल। ओ जीने वालों जीवन छुप छुप गाड़ी का है खेल, कोई कहीं पे पिछड़ गया, किसी से हो गया मेल। जीने वालों जीने वालों जीने वालों जीने वालों जीने वालों जीने वालों। जो ब्रिगेंजा के खिलाफ जुर्म साबित न होने की वजह से अदालत उसे बरी करती है, और इस केस की पेचीदगी को समझने के बाद एंथनी ब्रिगेंजा को मुजरिम ठहराती है और उसे 20 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। चलो। इंस्पेक्टर विजय वर्मा, तुम ये सोचकर खुश होता होगा कि तुमने अपुन को 20 बरस के लिए अंदर भिजवा दिया। तुम क्या समझते हैं अपुन अंदर 20 बरस रहने वाला है? तुम्हारा जेल अपुन के लिए एक मैच बॉक्स का माफिक है, यूं तोड़ेगा और यूं निकल जाएगा। कोई जेल वेल अपुन को रोक नहीं सकता। पांडु, गाड़ी रोक। नहीं रोक सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई जेल तुम्हें नहीं रोक सकती, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आया हूं। अब की बार मैं तुम्हें जेल नहीं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा, देखता हूं वहां से तुम कैसे वापस आते हो। की औलाद, अब भाग अपनी जान बचा कर। जेल से क्यों, मैं तुझे यही मौका देता हूं भागने के लिए। चल भाग। लुक इंस्पेक्टर, ये एकदम गैर कानूनी बात है। सुअर के बच्चे, सुबह शाम कानून तोड़ते हो, गैर कानूनी काम करते हो और मुझे कानून से सिखाते हो। मैं तुम लोगों से तुम्हारे बनाए हुए कानून से निपटना जानता। कमा अब बताइए, ठीक बात नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं, तुझे पता ही कहां है। कम ऑन नाउ, रन यू बास्टर्ड। आई सेड सेकंड, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुझे जिंदा छोड़कर ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। तेरी क्रिमिनल फाइल आज से हमेशा के लिए बंद। कम ऑन, रन रन यू बास्टर्ड। आई सेड रन, कम ऑन, कम ऑन, रन। मैं तुम्हें कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगा। एक मुजरिम को सजा देना गैर कानूनी नहीं है सर, कानूनी है। बचपने और बेवकूफी की बातें मत करो, अदालत इसे सजा दे चुकी है। मैं जानता हूं अदालत इसे सजा दे चुकी है सर, पर यह अदालत की दी हुई सजा काटेगा नहीं। ये स्वर का बच्चा बाहर निकलेगा और कई बेगुनाह शहरियों को सजा देगा। मैं आज उन सबको इस पागल कुत्ते से बचाना चाहता हूं सर। लेट मी किल हिम, लेट मी किल हिम। Stop it! Sir, आज का दिन आपको याद रखना होगा। आज का दिन आपकी जिंदगी का एक काला दिन होगा। इसका किया हुआ हर जुर्म, इसका किया हुआ हर खून आपके सर आपके जमीन पर होगा। अच्छा भाई, देख जो जैसा मैं बोलता वैसा ही कर, समझा? अपनी होशियारी बताने की जरूरत नहीं। मेरा दिमाग से काम लेना,
अपने भेजे से नहीं, ओके, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, ओके? हाँ। अच्छी तरह याद है ना मैंने क्या बोला था? नहीं, मैं थोड़ा भूल गया, एक टाइम फिर से बोलो ना ब्रदर। चूचू, तेरा खोपड़ी में भेजा है कि भूसा? सॉरी ब्रदर। तेरा कान इधर ला और ध्यान से सुन। विजय, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि टोनी के भाग जाने से कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इसकी तकलीफ मुझे नहीं? इतने सारे आदमियों की जान का मुझे दुख नहीं, लेकिन मैं एक पुलिस अफसर हूं विजय, और एक पुलिस अफसर की हैसियत से सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी और तुम्हारी ड्यूटी मुजरिम को कानून के हवाले कर देने की है, उसे सजा देने की नहीं। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक तो सिर्फ टोनी जैसे मुजरिमों को है। माफी चाहता हूं सर, मगर आज के इस बढ़ते हुए जुर्म और खून खराबे की वजह बस यही है कि जिस कानून ने हमारे हाथ बांध दिए उसी कानून ने उनके हाथ खोल दिए। यह कोई बराबर की लड़ाई नहीं है सर, इस लड़ाई में जुर्म का पल्ला हमेशा भारी पड़ेगा। सर, अगर आप इस जुर्म को खत्म करना चाहते हैं तो कानून से कहिए कि मेरे और मेरे साथियों के बंधे हुए हाथों को खोल दें। जब तक ये हाथ नहीं खुलेंगे जुर्म बंद नहीं होंगे सर। मैं आपसे फिर कहता हूं सर, कानून मुजरिमों के हाथों में रहे इससे अच्छा है कि कानून के रखवालों के हाथों में रहे। प्लीज सर। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। जो आज हुआ वो फिर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि टोनी को पकड़ना या गिरफ्तार करना ही हमारा फर्ज है, सजा देना सिर्फ अदालत के हाथ में। आई एम सॉरी। सर, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर तिवारी, टोनी और जोजो की गिरफ्तारी के बाद उनके घर की तलाशी आपने ली थी? जी हाँ सर। क्या क्या बरामद हुआ वहां से? बहुत सी मुख्तलिफ चीजें, जैसे कि टीवी, वीडियो, कुछ हथियार और एक डायरी। इन सब की लिस्ट है सर मेरे पास। डायरी में क्या था सर? कुछ एड्रेसेस, कुछ टेलीफोन नंबर। जाइए, वो डायरी लिख रही है। यस सर।
रात तुम इधर सुनसान वीरान जगह में पे पे हॉर्न बजा रहा है। तुम समझता हमको मालूम नहीं तुम क्यों बजा रहे? हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। और भाई साहब, कौन से कानून में लिखा है कि इधर हॉर्न बजाना मना है? साला अमीर को कानून सिखा रहा है। ये क्या होता है? हमारे कानून में लिखा है कि रास्ते में पब्लिक का गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी मदद करो, उसको ठीक करो। तुम्हारा हॉर्न खराब हो गया था ना, उसको ठीक कर दिया। टायर तो एकदम काम से गया, ये तो रबर का जूता बदलकर भी काम नहीं आएगा, लगता है फटने के बाद भी बहुत झगड़ा है इसे। देखो मैन, अपन को बहुत जल्दी है, एयरपोर्ट जाने का है, फटाफट टायर चेंज करो, चलो हरी अप। ओके ओके बॉस। आदमी को जल्दी लगा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और नथिंग, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। अरे मैन किधर जाता है? अरे साहब आपकी स्पेशल गाड़ी है ना, उसके लिए स्पेशल पाना चाहिए, राइट? अभी आए, अभी आए, जल्दी करो। चाय पियोगे? चाय भाई कुछ नहीं। क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? ये सीमा, ये देख, ये देख। ये क्यों? सामने देख, सामने देख। हाँ? ये तो यही लोग हैं। विजय ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, इनमें से एक को जेल भी हुई थी, जिसे भाग गया ये। मगर तुम क्या करना चाहते हो? मैं विजय को फोन करके बुलाना चाहता हूँ। चल के तार चेंज कर, नहीं तो तेरा हुलिया चेंज कर देगा। और सुन, मेरे भाई को खून करने में बहुत मजा आता है, याद रखना। वन स्मार्ट मूव और तेरा वाइफ का खोपड़ी उस टायर का जैसा फोड़ देगा। अरे मैन, कितना टाइम लगाएगा तुम? चल चल चल, लेट्स गो। ब्रदर, इस चोरी का क्या करेगा? ये अपन का साथ जाएगा और अपन का साथ रहेगा, नहीं तो ये छोकरा साला फिर गड़बड़ करेगा। हेलो पुलिस, रॉन्ग नंबर। अरे
वर्मा को जल्दी बुला दीजिए। वो अभी यहाँ नहीं है। तो फिर किसी को भी भेज दीजिए। जाओ 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 चल जल्दी गाड़ी उठा। ओके बड़ा जा। ब्लडी बास्टर्ड। आपको उसको छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। जाके मार। वासुदेवाय अनादिनिधनं देव शंख चक्र गदाधर प्रणम्य शिरसानाथ देश मोक्ष प्रदो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनादिनिधनं देव शंख चक्र गदाधर देर आराम क्यों नहीं कर लेते? हफ्ते भर से घर नहीं गए। इसी तरह काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम घर जाओ, मैं टेक ओवर कर लेता हूं। सोच लो टोनी साहब, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। अरे गोली, इधर से बाहर निकलने को तो सकता नहीं।
फिर ये बैंक लूटने का प्लान कैसा करेगा? अगर तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते तो ये काम मैं और रंजीत कर लेंगे। हाँ, और फिर वापस अंदर जेल जाएगा साला। चार दिन नहीं हुआ बाहर निकला, फिर वापस अंदर जाना मांगता है क्या? लेकिन अपुन का तो पुलिस का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। उस इंस्पेक्टर को सिर्फ शक है कि मैं तुम लोगों के साथ हूं, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं है। मगर तुम ये काम अकेला कैसा करेगा? ब्रदर, एक बात बोलू क्या? क्या है जोजो? अपुन उसका साथ जाएगा। शट अप, तेरे को हजार बार बोला इधर से बाहर नहीं निकलने का, समझा? ओके ब्रदर। मैं यहां तुम्हें एक जरूरी बात कहने आई हूं। आज सीमा की मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि बॉबी की तबीयत खराब है। कई दिनों से वो बहुत गुमसुम और चुपचाप है। विजय, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, मैं समझ सकती हूं, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। बस इसी तरह घंटों चुपचाप बैठकर पिस्तौल से निशाना लगाता रहता है। मैं अपने गम को तो भुला भी सकती हूं, मगर इसे ऐसे देखकर नहीं भुलाया जाता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं, इसे कैसे बहलाऊं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे आज अपने साथ ले जाता हूं, घुमा फिरा कर शाम को वापस छोड़ दूंगा। यहां से बाहर निकलेगा तो मन बहल जाएगा इसका। Thank you.
जैसे मेरा दिल है कुछ दीवाना, जैसे मेरा दिल है कुछ दीवाना, ऐसा ही तेरा इंजन पुराना है। एक जैसी हालत हमारी, चल चल चल। रात चोर तुझे ले गए थे, फुर्सत मिलेगी हम आ जाया करेंगे और फिर इसी तरह मजा करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कि आप रॉबर्स कैसे पकड़ते हैं? हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर बताएंगे कि हम और नेक्स्ट टाइम क्यों हम
अभी आपको दिखा देते हैं कि रॉबर्स कैसे पकड़ते हैं। आप यहीं बैठिए और देखिए हम अभी आते हैं। तरफ इतना सारा माल है और उस तरफ गोलियों से भरा हुआ तेरा पासपोर्ट। सोच क्या रहा है? उठा रिवॉल्वर और खेल मेरे साथ जिंदगी और मौत का जुआ। जैसे ही तू वो रिवॉल्वर उठाएगा, अगर इसमें एक भी गोली बाकी है तो तू नहीं, और अगर मैं 6 गोलियां चला चुका हूं तो मैं नहीं। सोच कह रहा है, एक बार ये वैन यहां आ गई तो तुझे दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। चल चल, कम ऑन। इंस्पेक्टर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जिंदगी का जुआ मैं जीतता या हारता। वर्मा कुत्ता का माफिक सूंघता सूंघता उधर इच पहुंच जाता है। उस सर इंस्पेक्टर को आज खलास करना मांगता है। कम ऑन जोजो, लेट्स गो। ओह माय गॉड, इतनी देर हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। अरे तो तुम्हारी कंपनी का कमाल है। नहीं भैया, ये तो तुम दोनों की कंपनी का कमाल है। तुम दोनों को इतना खुश हंसते बोलते देखकर न जाने क्यों आज पहली बार मुझे भी शादी का ख्याल आया। अच्छा, क्यों, क्या बात है? कोई है क्या जिसका ख्याल हमें देखकर आ रहा है? बस यूं समझ लो, कोई है भी और नहीं भी। अच्छा, तो इसीलिए हर 5-5 मिनट में घड़ी देखी जा रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। बाय। सपना। हाँ? तुम्हारा पार्सल। थैंक यू भाई साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह हाय, कब आए? सिर्फ 3 घंटे पहले। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था तुम आने वाले हो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। वो तो मुझे पता लग गया कि आज तुम मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए शायद आज रात किसी और की बुकिंग थी। तो तुम्हारा मतलब क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए।
शर्म भी मुझे आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। वो आदमी कौन था? अब समझी क्या बात तुम्हें खा रही है, किस बात की तुम्हें तकलीफ है, सुनना चाहते हो? बताती हूं वो आदमी कौन था। वो आदमी था मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इस वक्त उसके साथ अपना दिल बहलाने गई थी। अब शायद आप डिटेल में ये भी सुनना चाहेंगे कि उसने मेरा दिल किस तरह और कैसे बहलाया। तो सुनिए, आज शाम को उसने मुझे फोन किया और पूछा, सपना डार्लिंग, तुम आज रात को क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, तो उसने कहा ग्रेट, मैं आज रात को तुम्हें पिकअप करता हूँ, उसके बाद कहीं बाहर चलेंगे, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले। फिर वो मुझे एक शानदार 5-स्टार होटल के कमरे में ले गया, और वहां उसने अपनी बाहें मेरे ऊपर डाली और मुझे अपनी तरफ। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने मुझ पर यह हक समझा, मगर यह हक आपने मुझे कभी दिया नहीं। गुड बाय। Yes, brother. घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। हाँ, अगर थोड़ी देर हो गई होती तो शायद। एनीवे, ही इज अ लकी मैन। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलती हूं। सुनिए, ये आपके क्या लगते हैं? मेरा मतलब है, आपका इनसे क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं, बस यूं ही एक अजनबी जिसे मेरी जरूरत थी। आओ आओ। अब तबीयत कैसी है आपकी दादा? अब दादा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कल से ड्यूटी पर आ रहे हैं। Am I right? Yes. सर, ये मेरा छोटा भाई अजय। नमस्ते। ये नीतू। जीत रहो, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय बाय। आओ बैठो। खड़े क्यों? वहां उस तरह चाय रखी है, अगर पीना चाहो तो। बस दादा, हम भी थोड़ी देर में चलते हैं, हमें यहां से कहीं और जाना है। कहां? बस ऐसी एक जगह है जहां से। कोई सीक्रेट जगह है? नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है दादा? वो मैं बताती हूँ। जब आप बहुत सीरियस थे तो ये अजय जो कभी मंदिर नहीं जाता और हमेशा सबसे यही कहता है कि अगर भगवान है तो मंदिर में नहीं, हमारे दिलों में है, ये उस दिन मंदिर गया और भगवान के सामने माथा टेक। नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खामखा। तू चुप बैठ,
बोलने दे से। हाँ, तो ये उस दिन मंदिर गया और भगवान के सामने माथा टेक कर इसने प्रार्थना की, हे भगवान मेरे दादा को बचा लो, अगर तुम्हें जानी चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन मेरे दादा को बचा लो। और आप धीरे धीरे ठीक हो गए, आज ये मुझे वहीं लेकर जा रहा है। अरे दादा, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोलती है। मैं वहां गया जरूर था, मगर मैंने गुड मॉर्निंग मिस्टर विजय। मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो हेलो डॉक्टर। सो हाउ यू फीलिंग नाउ? फाइन, थैंक यू। गुड। अच्छा दादा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते बाबा। आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, आज अकल कभी भी घर जा सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मिस्टर विजय, आपको यहां बेहोश और बहुत ही सीरियस हालत में एक लड़की लेकर आई थी। अगर वो लड़की आपको यहां तक ना पहुंचाती या उसे आपको यहां लाने में जरा सी भी देर हो गई होती मिस्टर विजय, तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ये समझा कि वो आपकी कोई अपनी, मेरा मतलब है रिश्तेदार वगैरह होगी, मगर मैंने जब उससे पूछा कि इस पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कोई रिश्ता नहीं, बस एक अजनबी है जिसे इस वक्त मेरी जरूरत थी, कहा और चली गई। भला बताइए, आजकल ऐसा कहां देखने को मिलता है? आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने मुझ पर यह हक समझा, मगर यह हक आपने मुझे कभी दिया नहीं। अंदर आ सकता हूं? तुमसे कुछ कहने आया हूं। ये बात मैंने एक बार पहले भी किसी से कहने की कोशिश की थी, पर किस्मत ने मुझे मौका नहीं दिया, बात दिल के अंदर ही रह गई। बस उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दूसरा आदमी, कोई अजनबी मेरे अंदर घुस गया हो, जिसका गुस्सा, जिसकी नफरत, जिसकी कड़वाहट तो बाहर निकलती रहती है, मगर मोहब्बत नहीं। ये सब क्यों, किस वजह से हुआ, एक अजीब कहानी है जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसे अपने दिल की बात होठों तक लाने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है। सपना जो आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो शायद मैं फिर तुमसे न कह सकूं, मगर तुम इसे याद रखना।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फिर एक बात सुनो, तुम फिर मुझसे ये कह सको या नहीं, मैं जिंदगी भर तुमसे कहती रहूंगी आई लव यू, आई लव यू। रंजीत को सिर्फ 6 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर लाया हूं, जो कुछ पूछना है उससे जल्दी पूछ लो, मुझे उसे वापस जल्दी ले जाना होगा। इस होशियार से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उस सुअर के बच्चे से मुझे 2-4 सवाल करने हैं। अरे अहमद मियां, पीना मना, पकड़ना तो मना नहीं, होल्ड इट। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी बताऊं, अपनी हवस पूरी करने के बाद उस गरीब औरत की लाश तुमने कहां दफनाई? कौन सी औरत, कौन सी लाश? अपन कुछ नहीं जानता, अपन एकदम स्ट्रेट आदमी है, या तो तुमसे कोई मिस्टेक हुआ है या तुम एकदम ज्यादा पिए लाए। हाँ हाँ, हमने ज्यादा पी लिए, जानता है क्यों? नहीं मालूम, बताता है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे यहां से नीचे फेंक दूंगा। 50 फुट की ऊंचाई से जब तेरी लाश जमीन के साथ टकराएगी तो एक सड़े हुए टमाटर की तरह पिचक जाएगी। विजय, और जब कोर्ट में जज के सामने मुझे खड़ा किया जाएगा तो मेरा वकील कहेगा कि मिलोर्ड, ये खून इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने जानबूझकर नहीं किया, बहुत ज्यादा शराब के नशे में शायद इसलिए यह खून नहीं एक हादसा है, और जिस तरह तुम लोग कानून की गिरफ्त से निकल जाते हो उसी तरह मैं भी निकल जाऊंगा। अब बोल, लाश कहां दफनाई है? कहां दफनाई है वो लाश? देख आखिरी बार पूछता हूं, वरना इतना जान ले कि अब तेरे और तेरी मौत के बीच में सिर्फ 1 फुट और 1 धक्के का फासला है। ए बड़ो, करने का नहीं, अरे ये तो सिर्फ हुल दे रहा है। वो क्या बोलते कि जो डर गया सो मर गया, अरे अपन लोग का बदन लोहे का है और ये पुलिस वाले का हाथ कांच का, इसके उलपटी में मत आना। बोलता है या नहीं? विजय, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया? होश में तो हो? ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है,
मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। आज मेरे सर पर खून सवार है, मुझे खून करने के लिए बहाना चाहिए। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं तुझे भी मार डालूंगा। ना हट जा सामने से, हट जा। विजय होश में आओ, ये गैर कानूनी बात है। क्या गैर कानूनी है? क्या तुमने कभी किसी जहरीले सांप या बिच्छू को नहीं मारा? बोलो बोलो। मारा है, लेकिन ये जानवर नहीं, इंसान है। हाँ, इसीलिए कि ये इंसान है, इनके पास दिमाग है, ये सोच सकते हैं। ऐसे चलाक और शातिर दरिंदे कानून के साथ शतरंज खेलते हैं। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल चल, फौज के खोल देता हूँ। कांच का हाथ, कांच क्या जाना चाहते हो बता दो। टोनी और जोजो का पता, राकेश मिल्स, कुलाबा पोस्ट ऑफिस। गॉट दैट इंस्पेक्टर अहमद? पाटिल को ऊपर भेजो। वेल डन इंस्पेक्टर पाटिल, तुम्हें तो पुलिस फोर्स में नहीं, फिल्मों में काम करना चाहिए। ले जाओ इस हरामजादे को। चलो। वेल डन इंस्पेक्टर। अरे भाई सुनो, बोतल तो दे दे जाओ। रखने के लिए कहा था, घर ले जाने के लिए नहीं।
वाला हो। हेलो डोनी, मैं गोली बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे भाई जोजो को इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। Shut up! आप उनको ऐसा मजाक पसंद नहीं है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो आज शाम का अखबार पढ़ लो। विजय वर्मा उनका भाई को मारा, अब उनका जोजो को मारा, तेरे को नहीं छोड़ेगा, तेरे को भी खत्म कर दूंगा, तेरे भाई को भी। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर भुलक्कर। गुड मॉर्निंग, और मैं भूला नहीं, तुम्हें फोन करने ही वाला था अभी। अच्छा तो बताओ, दादा से बात कर ली? दादा से? भूल गए ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, वो मैं। तो फिर क्या बात है? वो क्या है कि दादा से तो मैं बात कर लूंगा, वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन क्या है कि दादा से बात करने के लिए मैं जरा हिम्मत जुटा रहा हूँ। अगर आज तुमने अपने दादा से हमारी शादी की बात न की तो मैं अपनी शिकायत सीधे कमिश्नर साहब तक पहुंचा दूंगी, समझे? हाँ, पहले अचानक एक्सीडेंटली लोग आपके पिस्तौल के सामने आ जाया करते थे, अब अचानक लोग आपकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं। सर, एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है। हाँ, एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन आपका एक्सीडेंट हमेशा उन लोगों के साथ होता है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जो पेशावर मुजरिम हो। इस इत्तफाक की वजह जान सकता हूँ? सर, पुलिस वालों का वास्ता ऐसी लोगों से पड़ता है, ऐसे लोग सामने आते रहेंगे, ऐसे लोग टकराते रहेंगे, बस यही वजह है सर। अच्छा, अपनी रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट को दे देना, और आइंदा गाड़ी धीरे और सड़क पर चलाना। यस सर। सुनिए, एक सवाल मैं आपसे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, अपने लिए पूछना चाहता हूं। क्या मैं आपको अकल से या शक्ल से ऐसा आदमी नजर आता हूं जो कि आपकी कहानी पर यकीन कर ले? जी हां सर। थैंक यू वेरी मच। दादा, वो बात यह है कि दादा वो बात ऐसी है कि वो मैं अबे पिछले 15 मिनट में 20 मरतबा तो तू अपना गला साफ कर चुका है, 25 मरतबा तो ऊ आ ऊ कर चुका है, 30-35 मरतबा खांस का कर चुका है, 4.5 ग्लास मेरा बॉइल्ड पानी पी चुका है, और अभी तक दादा वो बात क्या है? दादा वो बात कैसे आगे नहीं बढ़ा है? अरे भाई तुम्हें बताओ बात क्या है? कहते क्यों नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? तुम दुनिया के पहले आदमी तो हो नहीं जो ऐसा करने जा रहे हो। क्या क्या कैसा करने जा रहे हो भाई? वो दादा वो बात यह है कि अबे फिर भाई बोलते क्यों नहीं, डरते क्यों हो? अच्छा तुम बोलती हो तो बोल देता हूं। दादा आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी इस वक्त बहुत देर हो गई है, इतनी जल्दी किसी लड़के को मिलना बहुत मुश्किल है।
अब रात में किसी लड़की को नींद से उठाऊंगा, कहूंगा कि मुझसे शादी करो तो क्या बोलेगी? अबे इडियट, बोलना क्या चाहता है? दादा मैं बताती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपकी इजाजत और आशीर्वाद लेने आए हैं। आप क्यों, मैं इतनी खुशी की बात है और इतनी देर लगा रहा था? तुझे मालूम है हमारे खानदान में हमारे पिताजी के बाद अगर किसी की शादी हो रही है तो वो तेरी। कम ऑन, चीयर्स। ले। चोरी से छुप छुपा के आया था मैं लगा के, फिर पान भी चबाया, फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़खड़ा गया मैं, मेरी चोरी पकड़ी गई ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुर्गे से बोली मुर्गी, तोते से बोली मैना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मस्तिया और बढ़े और नशा जाए, झूम उठे मेरा दिल पास जो तू आए। जब तुझको देखता हूँ मैं दिल में सोचता हूँ, जब तुझको देखता हूँ मैं दिल में सोचता हूँ, कितनी हसीन है तू, लड़की है या है जादू। ये गोरा गोरा मुखड़ा, ये काले काले नैना, गोरा मुखड़ा, ये काले काले नैना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुश्किल है अब गुजारा, अब तक हूँ मैं कवारा, मुश्किल है अब गुजारा। अच्छा हूँ मैं अकेला, शादी तो है झमेला, दिन रात की सलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है बीवी की है गुलामी। फिर उसके बाद बच्चे रोते हैं अच्छे अच्छे, मुझको तो तोता बन के पिंजरे में नहीं यो रहना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। मुझे आज कुछ न कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। पर कैद है ना दिल पे कोई पहरे, दूल्हा दुल्हन के है फूलों की तरह चेहरे। ये रानी और वो राजा, गूंजा खुशी का बाजा, ये रानी और वो राजा, गूंजा खुशी का बाजा। जारी है जश्न शादी, बाकी है रात आधी, नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रैना,
नाचूंगा गाऊंगा रे मैं आज सारी रहना मुझे आज कुछ ना कहना मेरा दिल ठिकाने है ना मुझे आज कुछ ना कहना मेरा दिल ठिकाने है ना मुझे आज कुछ ना कहना मेरा दिल ठिकाने है ना मुझे आज कुछ ना कहना मेरा दिल ठिकाने है ना ये क्या आज हनीमून पे जा रहा है इतनी खुशी के मौके पे आंसू क्या हो गया तुझे है? दादा आज आपसे गले लगने के बाद एक बहुत पुरानी याद ताजा हो गई आज मौका तो नहीं है फिर भी कहना चाहता हूं कुछ साल पहले की बात है एक रात आप शायद पहली बार शराब पीकर घर आए थे मैंने आपको दूर से ही नशे में लड़खड़ाते हुए देखा डर के मारे मैं आंखें बंद करके लेट गया आप कमरे में आए आप मेरे करीब आए आपने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा फिर आप मेरे पास बैठ गए और आपने नशे में बोलना शुरू किया आपने कहा आज मैं घर आया हूं तो सिर्फ तेरी वजह से सिर्फ तेरे लिए लुट गया हूं मैं मेरी जिंदगी बेमकसद और खोखली हो गई है खोखली दिल ने तो चाहा था कि इस बेमकसद खोखली जिंदगी को खत्म कर दूं तुम्हारा ख्याल आया और मैं रुक गया दादा मैं समझ गया कि आपको किसी बात की बहुत तकलीफ पहुंची है और मैं आंखें बंद किए अंदर ही अंदर घुटता रहा दिल तो बहुत चाहा कि मैं आंखें खोलूं आपको गले से लगा लूं मगर डर के मारे मैं चुपचाप लेटा रहा आज आपसे गले मिलकर न जाने क्यों वो रात याद आ गई देखो आज अच्छा दिन है अच्छी बातें याद करते हैं क्या ये दुख भरी दास्तान लेकर बैठ गए तुम चलो आंसू पूछो हनीमून पे हंसते हुए जाते हैं हंसते हुए जाओ हंसते हुए आओ चलो चलो गाड़ी में बैठो अच्छा दादा आगे दीजिए ये क्या कर रही हो लो इसकी इन बातों में इस सारी गड़बड़ में मैं तो भूल गया कि मुझे तुम्हें कुछ देना है दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए अरे भाई वो तो है लेकिन फिर भी बड़ा होने के नाते कुछ तो देना चाहिए मुझे दादा अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर मुझे एक वचन दीजिए हाँ बोलो आज तो जो मांगोगे मिलेगा बोलो तो दीजिए वचन वादा कीजिए कि अब आप अकेले नहीं हमारे साथ रहेंगे अरे भाई कहाँ नहीं दादा अभी आपने नीतू को वचन दिया है कि जो वो मांगेगी मिलेगा 24 घंटे हुए नहीं शादी को बीवी की वकालत शुरू कर दी आपने ठीक है जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा अभी तो चलो गाड़ी में चलो 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 अच्छा दादा नमस्ते खुशी खुशी जाना और अपना ध्यान रखना आप भी अपना ख्याल रखिएगा दादा Thank you.
खंडाला और कितनी दूर है? जितनी भी दूर हो तुमसे तो दूर नहीं है। मतलब? मतलब ये कि अब मैं आपका सिर्फ ड्राइवर ही नहीं वर भी हूँ। फिर ये बीच की दूरी क्यों है? खंडाला आ जाने दो, ये दूरी भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं और तुम हमेशा के लिए हम हो जाएंगे। तो मगर खंडाला तो अभी काफी दूर है, इतना सारा वक्त कटेगा कैसे? लाइसेंस। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने किया क्या है? नीतू कीजिए कि अब आप अकेले नहीं हमारे साथ रहेंगे। से लगा लूं अगर डर के मारे मैं चुपचाप ये डरा तो अब लग जा गले। आज तो मैंने शराब नहीं पी। देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। आज मैंने शराब कहां पी? तू आंखें खोल ले और लग जा गले। उठ, आंखें खोल और उठ जा। उठ, तू उठता क्यों नहीं है? क्यों नहीं उठता है तू? चल उठ, उठना। क्यों नहीं उठता है तू? चल उठ। मैंने आज शराब कहां पी है? कहां पी है मैंने शराब? चल उठ, उठ और लग जा गले। लग जा गले, चल लग जा। Ah!
टोनी कहाँ है? मां कसम साहब मुझे नहीं मालूम। कहाँ टोनी? मुझे नहीं मालूम। मुझे किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट होल्ड करना। मैंने कहा घर के बाहर मत निकलना और किसी के लिए दरवाजा भी मत खोलना। प्लीज होल्ड करना, कुछ सुनाई नहीं देता। उफ़ कौन है जल्दी नहीं मारूंगा, मजा लूंगा। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली तेरा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा, तुझे खत्म करूंगा, खलास करूंगा, फिनिश करूंगा। सपना, जाना, जाना।
ये क्या? ये बिल्ला है सर, ये वो बिल्ला है जिसे वर्दी पर लगाकर मैंने हर शरीफ अमन पसंद शहरी की हिफाजत और रक्षा की कसम खाई थी। मुझे ये बताया गया था कि इस बिल्ले में वो ताकत वो अथॉरिटी है जिससे मैं आम शहरियों को गुंडे बदमाश दरिंदों से बचा सकूंगा, उनकी हिफाजत कर सकूंगा। मगर आज 10 बरस के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है सर कि ना तो इस बिल्ले में कोई ऐसी ताकत है और ना ही कोई ऐसी अथॉरिटी। ये तो एक बेकार टीन का टुकड़ा है सर, जो सिर्फ समाज में घूमते हुए खूनी पागल पेशावर दरिंदों की हिफाजत कर सकता है। कमिश्नर साहब, आज मैं उस कसम को तोड़ता हूं और एक दूसरी कसम खाता हूं जो ना तो मैं कभी तोड़ूंगा और ना ही दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे तोड़वा सकती है। मैं अपने भाई और उसकी बीवी, अपने दोस्त और उसकी बीवी और कई मासूम जानों की कसम खाता हूं सर कि कल आपकी पूरी पुलिस फोर्स, दुनिया की सारी ताकत उस हरामजादे टोनी ब्रगेंजा को कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचा सकती। इंस्पेक्टर अहमद को फॉरवर्ड भेजो। सर, इंस्पेक्टर विजय अभी अभी नौकरी छोड़कर यह कहकर गया है कि कल हम एंथनी ब्रगेंजा को जिंदा कोर्ट नहीं पहुंचा सकते। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ही मींस बिजनेस। इस मामले में हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसा करो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर्स फोन लगाओ। यस सर। और वो सारे जाली नोट जो हमने रेड में पकड़े थे वो भी ले गया। एमिनेशन और हथियार का ले जाना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये तो विजय भी अच्छी तरह जानता था कि वो नोट जाली है, फिर ऐसा क्यों? ये सिर्फ आधा पैसा है, आधा पैसा काम हो जाने के बाद दूंगा। मगर ये सब तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुटलियां गिनने से? मगर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि ये सब क्यों? इसलिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, है।
फून प्रूफ। इंस्पेक्टर शिंदे। यस आई एम इंस्पेक्टर भागवत। हम लोग सीआरपी हेडक्वार्टर से आए हैं। जी हाँ, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सखराम जी साहब, टोनी को बाहर ले आओ। अच्छा साहब, लीजिए यहां साइन कर दीजिए। जरा ख्याल रखिएगा, ये टोनी ब्रेगेंजा बहुत खतरनाक मुजरिम है। चलो। अरे चलो चलो अंदर। Yes. मेरा नाम इंस्पेक्टर भागवत है। मैं सीआरपी हेडक्वार्टर से एंथनी ब्रेगेंजा को लेने के लिए आया हूं। तो फिर वो लोग कौन थे? टोनी साहब, अपन को पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस साले का तुमको थाने से निकालने का प्लान ना अपन को एकदम परफेक्ट लगा। मैंने सोचा एक बार तुमको पुलिस स्टेशन से निकाल दूं, फिर देखता हूं साले को। अपुन ने भी कोई कच्ची गोली थोड़ी ना खेला है गुरु, ऐसा पैतरा बदला कि याद करेगा जिंदगी भर। वो साला खड़ा होएगा अहमदाबाद हाईवे पर अपुन का इंतजार करते हुए, और अपुन पहुंचेंगे थाना क्रिक। उधर तुम्हारा बोट बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी।
तुम्हारा हाथ छोड़ता है। प्लीज प्लीज उठ के भी उनको छोड़ दो, उनको माफ कर दो प्लीज। ये लो, टेक दिस, इसमें बहुत सारा रुपया है, सब ले लो, लेकिन आप लोग छोड़ दो, आपको छोड़ दो प्लीज प्लीज। हाँ मालूम नहीं, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। और आपको कुछ मालूम है? जी मैं भी अभी पहुंचा हूं। गुड। और आप? सर मैं भी अभी पहुंचा हूं। वेरी गुड। और शायद आप भी अभी अभी यहां पहुंचे। इस डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, जो वारदात पर हमेशा देर से पहुंचते हैं। और याद रहे, अगर मुझे एक भी ऐसा चश्मदीद गवाह मिल गया जो कि यहां ठीक टाइम पर पहुंचा था, तो फिर यू ऑल हैड इट। एक बात मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकल से या शक्ल से ऐसा लगता हूं जो कि वाकई आपकी बात मान जाए? यस सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विजय, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाइए, मैं खुद इस केस की इंक्वायरी करूंगा। अगर कोई भी गैर कानूनी बात नजर आई तो एक्शन लिया जाएगा।
कल सुबह 10 बजे वक्त पर, आज की तरह देर से नहीं। चल चल रही चल मेरी राम प्यारी, रब ने बनाई जोड़ी हमारी, मैं भी गवारा तू भी गवारी। चल 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 रही चल मेरी राम प्यारी, रब ने बनाई जोड़ी हमारी। चल 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 राम प्यारी।